नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहां पर जानने वाले हैं बहुत ही पुरानी बात, वैसे तो सदियों से चली आ रही है, पता नहीं कब से जो है मूवीज यहां पर बन रही हैं और हर मूवीज के अंदर आपको देखने और सुनने को मिलता है लाइट कैमरा साउंड एक्शन। ये मतलब क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपली आप समझ गए होंगे, लाइट के लिए लाइट यहां पर जरूरत है, कैमरा जो है कैमरा ऑन कर लीजिए, साउंड जो है साउंड वाला ठीक से यहां पर खड़ा हो जाए, और एक्शन मतलब जो हीरो हैं जो विलेन हैं जो भी हैं आपस में जो भी कर रहे हैं वो शुरू हो जाए और कैमरा रिकॉर्ड कर ले उनकी और साउंड भी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन आगे इसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि इसके पीछे का एक और रीजन यहाँ पर होता है। इतना ही नहीं होता, इससे आगे भी बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्निक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं लाइट कैमरा एक्शन की, नॉर्मल ये तीन वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर साउंड जो है हेडन होता है, मतलब साउंड वाला अपने आप समझ जाता है कैमरा का नाम लेते ही कि साउंड भी जो है यहाँ पर लगा ली जाए। एक लंबा सा जो है मतलब एक रोड होती है जिसके नीचे एक माइक यहाँ पर लटका हुआ होता है, तो वो यहाँ पर ऊपर कर लेता है। जब कैमरा यहाँ पर शूट करता है तो वो माइक यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देता है। लाइट कैमरा एक्शन बोलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आजकल जो है लाइट्स के लिए यहाँ पर डिवाइसेज आई हुई हैं, अगर लाइट्स यहाँ पर ठीक नहीं है, जैसा कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दोनों तरफ इधर उधर जो है मेरे यहाँ पर लगी हुई है। मैंने काफी जो है कैमरा के साथ यहाँ पर इन्हें अटैच किया हुआ है कि कैमरा के साथ यहाँ पर सुटेबल तरीके से मेरे ऊपर लाइट पड़े। तो ये होती है लाइट, मतलब उनके लाइट बोलने का मतलब ये होता है कि लाइट जो है पूरी तरह से फिक्स कर दी गई है हर जगह पर, जितनी लाइट जिस प्रकार से जिस मतलब एक्टिविटी जो भी उन्हें करनी होती है जिस पोजिशन के अंदर करनी होती है उसी प्रकार से जो है वहाँ पर या फिर उसी हिसाब से लाइट लगा दी जाती है। तो ये हो गया लाइट। उसके बाद यहाँ पर कैमरा, कैमरा की पोजिशन जो है मतलब हो सकता है कैमरा वाला कैमरे का मुंह ऊपर करके बैठा हो यहां पर, तो कैमरा बोलने का मतलब है कि कैमरा जो है ठीक से यहां पर लगा हुआ है, मतलब जहां पर शूटिंग की जा रही है उसके सामने जो सब्जेक्ट है उसे ठीक से यहां पर मतलब कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कैमरा को यहां पर देखना पड़ता है और कैमरा वाले को यह भी बताना पड़ता है कि कोई यहां पर मतलब बीच में मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ धूल की कण तो नहीं आ रहे हैं, काफ़ी कुछ जो है कैमरामैन को यहाँ पर देखना पड़ता है। अगर नहीं देखेगा ठीक से और शूट कर लिया कोई अच्छा सा सीन तो उसके बाद उसे मतलब मार पड़ सकती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होता है, शेडो वगैरह यहाँ निकल के आ जाए, कुछ तरीके से ब्लर वगैरह हो जाए गलत तरीके से, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखना पड़ता है। यहाँ पर साउंड का नंबर आता है, साउंड वाले को भी जो है लगातार अपने हाथ यहाँ पर चलाने होते हैं, हाथ में एक लंबी सी रोड यहाँ पर थमा देते हैं और लटकाए रखो हर किसी के ऊपर जो भी मतलब डायलॉग यहाँ पर बोल रहा है। तो काफ़ी मज़ा आता है इन सबको देखने के बाद, लेकिन मज़ा तब आता है जब ये लोग ठीक से यहाँ पर काम करते हैं। पूरी मेहनत के साथ काम करने वाले सिर्फ यही लोग हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा नहीं है कि उस टाइम का काम जो हम कल कर लेंगे, आधा काम या फिर आधा लेटर आज लिखा आधा लेटर कल लिख लेंगे, ये यहाँ पर नहीं होता। और एक्शन, एक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है एक्शन, मतलब शूटिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, जो भी करना है कराना है, सॉन्ग मतलब म्यूजिक सॉन्ग जो भी आप समझे एक्शन सीन है या फिर जो भी है, गाड़ी चलाना, गाड़ी उड़ाना, मोटरसाइकिल उठानी हवा के अंदर या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह करना है, काफ़ी कुछ यहाँ पर, और ये भी होता है फायर फायर फायर, काफ़ी कुछ यहाँ पर निकल के आता है। तो ये सब जो है होता है लाइट कैमरा साउंड एक्शन के पीछे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। सवाल है कोई सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।